दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों भारत के अंदर 2019 के अंदर बहुत सी वैकेंसियों के आने की उम्मीदें हैं। ये भारत सरकार ने अपने नए कार्यकाल के साथ 100 दिन के एजेंडे में घोषणा की है। चाहे उसमें केवीएस के अंदर हो, चाहे एनवीएस के अंदर हो, चाहे रेलवे के अंदर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर जर्नल के अंदर हो, बहुत सारी वैकेंसियों की उम्मीदें हैं। आज हम स्टाफ नर्स की कुछ वैकेंसियों की बात करेंगे। हालांकि पहले रेलवे के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी ऑटोमेटिकली आ चुकी थी, उनके बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए। फिर हरियाणा पीजीआई की वैकेंसी हो या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ की हो, इसके साथ साथ आज हम सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे। स्टाफ नर्स की कुछ वैकेंसीज हैं जो नेशनल लेवल पर आई हैं, जिसके लिए किसी एक स्टेट का कोई लॉजिक नहीं है। ऑल इंडिया के बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता जो है वो 12th पास आधार बनाई गई है और जो वेतन है वो 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक आपका रहेगा। आइए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले आप चाहे डीएसएसबी हो, सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, क्लर्क हो या फिर स्टाफ नर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल पूरे भारत में हम बाई कोरियर उपलब्ध करवाते हैं। ये हमारा नंबर है 8447410108। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके अपना मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड हम चाहते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट बताते हैं। हालांकि इसमें कुछ पोस्ट कम है लेकिन आने वाले समय में पोस्टों को बढ़ाया जा सकता है, ये नोटिफिकेशन में हमेशा होता है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 55 पोस्ट हैं, जिसमें 27 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 14 हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 4 हैं और आपका ओएच में 3 हैं। लेकिन 55 सीट तो दिखाई गई है ना, आप लोगों को तो हर बच्चे को अपनी एक ही सीट चाहिए। अब इसका मतलब 55 सीटें कम नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यह सोच करके फॉर्म भरना छोड़ देता है कि यार सीटें कम है। और आमतौर पर कई बार उतने ही लोग होते हैं जिस हिसाब से कंपटीशन ज्यादा टफ नहीं हो पाता है। तो पहले तो हम फीमेल स्टाफ नर्स की बात या कर रहे हैं ग्रुप बी के लिए, जिसके लिए ये पोस्ट है। उसके साथ अगर पोस्ट की बात करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें आप लोगों का ये एनवीएस की वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ये वैकेंसी होती है। तो यहां पर आप लोगों के लिए जो सिलेबस का और जो आपका एग्जाम प्रोसेस का फॉर्मूला रहेगा, उसमें इन लोगों ने रिटर्न एग्जाम बताया है आपका, और उसमें इन्होंने कहा है कि 15 क्वेश्चन जो 15 नंबर के होंगे वो रीजनिंग के होंगे। जनरल अवेयरनेस के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो भी 15 नंबर के होंगे। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश दोनों के लिए 30 क्वेश्चन, यानी 15 हिंदी के और 15 इंग्लिश के, ये भी 30 नंबर का होगा। और 60 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। सब्जेक्ट नॉलेज यानी जो आपने नर्सिंग के दौरान जो किया है वो सारे सिलेबस होगा, जिसमें आपको स्टाफ नर्स का सिलेबस मुहैया करवाया जाता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो भी 120 रहेंगे। यानी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में करने हैं और 120 ही मार्क्स मिलेंगे। यानी टाइम भी आपके लिए 120 मिनट इन्होंने रखा है, जिससे आप 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम यहां पर रखा गया है। तो यानी एक चीज तो आपको यहां पर देख लेनी है, वैकेंसी आपके लिए एनवीएस की है, एनवीएस की वैकेंसी यहां पर है और टोटल जो सीट हैं वो आपके लिए यहां दिखा दी गई है, 55 है। क्वालिफिकेशन की बात हम करेंगे, सैलरी आपको बता दी गई है। आइए थोड़ी डिटेल और देखते हैं। उसके बाद जो डिटेल इसमें है वो है आपके लिए पोस्ट कोड जो है आपका वो 24 रहेगा, यानी 24 नंबर पोस्ट कोड होगा, जिसमें आपको लेवल 7 के जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपको 44,900 से 1,42,400 तक आपका होगा। एज लिमिट जो है वो 35 साल तक है, यानी आप 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए ये कहा गया है। लेकिन अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 10 ईयर्स का है। और अगर आप एससी एसटी के साथ हैंडीकैप्ड हैं तो 15 हो जाएगा, ओबीसी के साथ हैंडीकैप्ड है तो 13 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी एज की यहां पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th और इक्वल एंड इक्विलेंट एंड ग्रेड ए
3 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपके प्लस टू पास होने चाहिए और उसके साथ जो 3 साल का डिप्लोमा है नर्सिंग का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, या तो आपका वो हो, अगर वो आपके पास नहीं है तो बीएससी नर्सिंग से होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का हॉस्पिटल एंड क्लिनिक के अंदर, और अगर आपके पास पहले वाला है डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग का है तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजायरेबल के अंदर कहा गया है कि वर्किंग नॉलेज जो है और हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये आपके लिए डिजायरेबल रहेगा। तो ये दोस्तों एक तो ये चीज आपको देखनी है। अच्छा, दूसरी बात रही फॉर्म की, 10 जुलाई 2019 फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और 9 अगस्त तक आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 जुलाई से शुरू करके 9 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई से आपने फॉर्म शुरू कर देना है भरना। एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट 2019 की, उसमें आपको फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन ही फॉर्म होगा 10 जुलाई से शुरू करके 9 अगस्त तक, और जब फीस की डेट है वो 10 जुलाई में फॉर्म के साथ शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त को जो फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा उसके 2 दिन बाद तक 12 अगस्त तक 3 दिन तक आप फिर भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो 5 से 10 सितंबर 2019 के दौरान लेने की संभावनाएं हैं, ये भी इन लोगों ने आपको कहा है। तो दोस्तों जितने भी वैकेंसीज इंडिया में आती हैं उनसे रिलेटेड, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, चाहे किस वैकेंसी के बारे में क्या पूछा जाएगा, क्या किस वैकेंसी के फॉर्म कब आएंगे, किसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन होगी, किसकी सैलरी क्या होगी, किसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट किस तरीके के बनेंगे, इन सारी चीजों के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर के ऊपर 8447410108 इस नंबर को आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं, और जितनी भी जानकारियां हैं वो सब लेने के लिए आप हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आपने अपना नाम और अपना सब्जेक्ट, या फिर आप सब्जेक्ट की जगह यहां पर सिटी भी लिख सकते हैं क्योंकि नर्सिंग वालों का सब्जेक्ट तो आपका नर्सिंग हो ही गया, आपने अपना नाम और अपना सिटी, ये दोनों इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आप आज ही कर दें, आपके नंबर को सेव करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वैकेंसीज के बारे में वो समय समय पर आपको हम देते रहेंगे, और आप कोई भी जो डाउट आपको मन में है वो डाउट आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर मेटेरियल ऑर्डर करना है तो उसके लिए तो आप कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो मदद है वीडियोज वगैरह की वो भी हम आपके करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत से बच्चों को वैकेंसी का पता नहीं चल पाता है,